Very good morning, students. I am your teacher, and today I will teach you English. बच्चों आज मैं आपको English सिखाऊंगी और English में मैं आज आपको what comes after A to Z के बीच में वो बताऊंगी. तो देखिए ये कौन सा लेटर है? A. आफ्टर का मतलब क्या होता है बच्चों? बाद में, यानी ए के बाद क्या आता है, यानी नेक्स्ट. तो ए के बाद नेक्स्ट अल्फ़ाबेट क्या आता है? ये ए है. तो ए के बाद क्या पढ़ते हैं? बी. बी फॉर बॉल, जिसे हम खेलते हैं. तो हम यहाँ लिखेंगे बी. तो बी तो आपको बनाना आता ही होगा. देखो पहले हम स्ट्रेट लाइन बनाएंगे इस रेड लाइन से ब्लू लाइन तक. आप सी उल्टा सी बनाएंगे हम छोटे छोटे दो. पहले हम यहाँ से यहाँ तक बनाया ऐसे, अब यहाँ से फिर दोबारा हम यहाँ तक. ये बन गया बी. अब देखो ये क्या है? ये है डी. डी फॉर डॉग. और डी के बाद क्या आता है? चलो पढ़कर देखते हैं. ए बी सी डी ई. डी के बाद क्या आया? ई. ई फॉर एलिफेंट. तो हम यहाँ ई बनाएंगे. देखो ई बनाना आता है आपको. पहले रेड लाइन से ब्लू लाइन तक स्ट्रेट लाइन बनाओ ऐसे, जैसे हम वन बनाते हैं. ये वन बन गया. अब ये जो लाइन दिख रही है रेड लाइन, इसके ऊपर छोटी सी लाइन बनाओ. अब ये ब्लू लाइन के ऊपर, अब नीचे की ब्लू लाइन के ऊपर, ये बन गया ई. अब देखो ये क्या है? ओ ये है बी. बी फॉर बॉल, जिसे हम खेलते हैं गेंद. तो बी के बाद क्या आता है? चलो हम पढ़कर देखते हैं. ए बी सी. तो बी के बाद क्या आया? सी. तो आफ्टर बी यहाँ आएगा सी. तो देखो ये रेड लाइन पे एक डॉट लगाओ और ये ब्लू लाइन पर ऐसे, अब इनको घुमाकर ऐसे सी बना देंगे पीछे से. बन गया. लाइन से नीचे नहीं निकालेंगे. ये है सी. अब ये क्या है? ई. ई फॉर एलिफेंट. एलिफेंट मीन्स हाथी, जिसके बड़े बड़े कान होते हैं, लंबी सी नोज होती है, जिसे हम सूंड कहते हैं. तो ये है ई. तो ई के आफ्टर क्या आता है? चलो पढ़कर देखते हैं. ए बी सी डी ई एफ. तो ई के बाद क्या आया? एफ. तो एफ लिखेंगे, बिल्कुल एफ ई की तरह लिखना है. बस इसमें नीचे की लाइन हम नहीं बनाएंगे. पहले आप वन बनाइए रेड लाइन से ब्लू लाइन तक. अब रेड लाइन के ऊपर छोटी सी लाइन और इस ब्लू लाइन पर छोटी सी लाइन. बस हम इसमें टू लाइन बनाएंगे एफ में. ये बन गया एफ. एफ फॉर फिश, मछली जो पानी में रहती है. अब ये क्या है? ओ ये तो सी है. सी फॉर कैट. कैट मीन्स बिल्ली. बिल्ली कैसे आवाज निकालती है? म्याऊ 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 करती है. तो सी. सी फॉर कैट. अब सी के बाद क्या आता है? चलो पढ़कर देखते हैं. ए बी सी डी. डी फॉर डॉग. तो हम यहाँ डी लिखेंगे. तो पहले देखो वन बनाओ. अब ये सी को उल्टा करके बनाएंगे. ये हम ऐसे उल्टा करके सी मिला इसमें मिला देंगे. ये बन गया डी. डी फॉर डॉग.
डॉग मीन्स कुत्ता। चलिए ये है एफ। क्या है ये बच्चों? एफ, एफ फॉर फिश, मछली। और क्या होता है एफ से? सोचो। एफ फॉर फैन, पंखा, जो हम गर्मियों में चलता रहता है। आपके रूम में भी फैन लगा हुआ है ना, जो चल रहा होगा इस समय। ऊपर देखो, छत पर देखो, फैन चल रहा है, वो एफ फॉर फैन है। ये है फैन, एफ। एफ के बाद क्या आता है, पढ़कर देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी। क्या आया? जी। तो जी देखो कितना आसान है, पहले हम सी बनाएंगे ऐसे, फिर हम इसे सी बना दिया, अब बीच की लाइन में पहले हम ऐसे करेंगे और फिर इसको नीचे कर देंगे। ये बन गया जी। जी फॉर ग्रेप्स, अंगूर। अच्छे लगते हैं आपको अंगूर, ग्रेप्स। और क्या होता है बच्चों जी से? जी फॉर गर्ल, लड़की। और क्या होता है जी से आपको मालूम है? जी फॉर गन, बंदूक। छोटे बच्चों को अच्छी लगती है, टॉय खरीदते हैं गन। जी फॉर गन होती है, जी फॉर गर्ल होती है, और जी फॉर ग्रेप्स भी होते हैं। तो ये है जी। तो बच्चों आज आपने क्या सीखा? आज हमने सीखा व्हाट कम्स आफ्टर, यानी जो लेटर दिया हुआ है उसके बाद नेक्स्ट लेटर कौन सा है। आफ्टर कौन होता है? बाद में क्या आता है? तो ये ए के बाद बी, बी के बाद ई, ये बी है, बी के बाद सी, ई के बाद एफ, सी के बाद फिर डी, ये एफ के बाद जी। तो इस तरह से आप भी घर पर प्रैक्टिस करेंगे व्हाट कम्स आफ्टर की। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।